तो गाइस, मेरा नाम है लक्की और मैं आज जनता से सवाल करने वाला हूँ। जनता का सवाल है भूपेश बघेल को लेकर। तो गाइस, जनता को क्या क्या परेशानियाँ है भूपेश बघेल के राज में। तो गाइस, जनता अपना सवाल करेगी भूपेश बघेल से, जिसका जवाब देना पड़ेगा भूपेश बघेल को। तो गाइस, अभी किसानों को समस्या काफी ज्यादा हो रहा है। तो गाइस, हम आज का सवाल एक किसान से करने वाले हैं। तो गाइस, चलो आपको ले चलता हूँ उस किसान के सामने। तो गाइस, करते हैं उससे सवाल। नहीं, सवाल नहीं करेंगे, सवाल किसान करेगा भूपेश बघेल से। जिसे आप देख रहे हो, इसका नाम राम कुमार है। यह ककेड़ी का रहने वाला है। इसका मुद्दा ये है कि किसानी करने के बाद भी इनको काफी ज्यादा समस्या हो रहा है आज के सरकार से। तो सरकार से आपका क्या सवाल है? आप सीधे सरकार से बात कीजिए। पूरा किसान परेशानी कटिज के उपाय। कटिज के परेशानी मतलब? पैसा नहीं मिल पावते, ये सब बोल रहे भूपेश बघेल मिलते। तो पैसे का पेड़ नहीं होता, जो भूपेश बघेल तोड़ कर अपने आप आपको बांट देंगे। वो खैरात को खोल कर रखा नहीं है जो हर किसी को बांटता जाएगा। कैसे पैसा नहीं मिल रहा है? क्या पैसा नहीं मिल रहा है भाई? भाई, पैसे नहीं मिल रहा है कहने से सबको पैसा थोड़ी भी मिल जाएगा। क्या पैसा है, कैसे पैसा है जो आपको नहीं मिल रहा है? कुछ बताओगे? आप कर्मचारी हो, आप सरकारी नौकरी में हो, तो किस चीज का पैसा? भाई, पैसे का विवरण देना पड़ेगा आपको। कौन सा पैसा नहीं मिल रहा है? धान के पैसा जी। धान तो बिका ही नहीं है अभी, तो पहले ही पैसा दे देगा क्या? पहले धान बेचे, पहले जो बिक गए हो तो आना चाहिए ना। वो तो आ रहा है, एक ही बार में पूरा का पूरा पैसे नहीं आता। जो शुरुआत में बेच चुका है धान, उनका कुछ पैसे आ चुका है। आपको पता होगा वो 3 किस्तों में आता है। आप पिछले कई सालों से धान बेच रहे हो, बैंक वाले चर्चित लिख देते किस कर। बैंक वाले ऐसे कैसे बोल देंगे? आपका पासबुक का एंट्री दिखा मुझे, कब गए थे बैंक? एंट्री कर भी नहीं करे। कब गए थे बैंक? हम जाते हैं पारिक दिन मंगलवार। बैंक वाले एंट्री नहीं करता, इसका शिकायत कभी कहीं किया है? थाना किस लिए बना है? आप लोगों के लिए बना है ना, तो थाने में जाइए, बैंक का शिकायत कीजिए। एक किसानी का एक मतलब, वो तो हमारे एरिया में किसी की एंट्री नहीं हो। तो आप किसान लोग मोर्चा बना कर जाइए, अकेले नहीं जा सकते तो आप ग्रुप बना लीजिए। या तो फिर एक किसान भी अगर आवेदन करेगा, कंप्लेन करेगा, किसान में ग्रुप है ही नहीं है। ग्रुप ही तो आप अकेले ये आवाज उठाइए ना। आप क्यों चुप बैठे हो? आप समझदार किसान लग रहे हो तो आप ये चर्चा उठाओ। अकेला, आप जाकर कंप्लेन कीजिए। मुद्दा उठ भी नहीं करे भाई। आपका काम है कंप्लेन करना, शासन का काम है उस पे कार्यवाही करना। तो आपने कंप्लेन किया क्या? क्यों नहीं किए? कंप्लेन की कोई सुनवाई थी नहीं। तो करके देखो, कभी कंप्लेन इस बारे में किया है? नहीं करे। तो फिर सरकार पे सीधे सीधे इल्जाम क्यों लगा रहे हो आप? सरकार ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो वो बैंक दबाव अधिकारी मतलब दबाव करना चाहिए। सरकार को कैसे पता चलेगा कि यदि बैंक आपके काम को नहीं कर रहा है? आप कंप्लेन किए ही नहीं तो सरकार को कैसे पता चलेगा? आप खुद बताओ। तो अपने आप किसी को पता नहीं चल जाता। और सरकारी नियम है, जब तक कोई कंप्लेन करेगा नहीं तब तक उसे कार्यवाही होगा नहीं। तो कंप्लेन करो ना भैया। कंप्लेन कहाँ? आपके नजदीकी थाने में, कहीं भी जहां आपको थाना हो। क्या नहीं मानेगा? आप जाकर कंप्लेन करो, वहां से थाने से रिसीव लो कि मैंने FIR दर्ज कराया है। तो कब जाकर कर रहे हो कंप्लेन? करेंगे, परेशानी होगा। तो वर्तमान में परेशानी क्या है आपको? वर्तमान में तो सिर्फ बारदाना की परेशानी है। तो आप अपनी धान को लेकर चले गए हो? हाँ। तो कहाँ है आपका धान? सोसाइटी में पड़े है। सोसाइटी में? अरे तुम पारी है मंगलवार का, तो कंप्लेन करो। एको बार दान नहीं है। अच्छा, तो शासन क्या बोल रहा है? तो अब कल ले काकर पास कंप्लेन कर दे। क्या बोल रहा है शासन? बारदान नहीं कहा था, क्या बोले शासन? तो जवाबदारी कौन ले रहा है? मतलब आपको देना पड़ेगा। नहीं है बोल रहा है तो धान की खरीदी करूंगा बोल रहा है। कट्टी देना पड़ेगा किसान के पास, वो कट्टी नहीं है तब। तो आप सरकार में तो ही का ठीक। तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? आपका आवाज सरकार तक जाएगी तो क्या कह रहे हैं? हाँ, तो जिन कट्टी में धान के वो लाए तब ठीक है। और अगर वो बोल रहा है कुछ बोरी हो, कैसे प्लास्टिक बोरी हो? अब प्लास्टिक बोरी में धान के हो लगा थे कि बोरी ला गरीब आदमी ओकर पास पसंद नहीं, कहां से बोरी खरीदी? कोनो महाजन लाते नहीं दवा से तो ब्याज बनत सरकार बनना है।
साहब कही तो आने वाला समय में तो पूरा किसान के मांग पूरा करो फिर इही सो, इही नहीं खरीदे सका वैसे की कही इस्तीफा दे इस्तीफा दे किसान के बोरा नहीं खरीदे सका ऐसे तय कही ऐसे का नहीं वो मैं कहा था थोड़ा ये होता थे ढाई साल वाले बात है ढाई साल तो पूर के ढाई साल नहीं कर सका ये सिंधियाल दे की डोकरा ला ढाई ढाई साल बात हो रही ना दोनों की पैसा थका ले दे। तो गाइस आपने अभी सुना अभी देखा किसान किस तरह से सरकार के लिए भूपेश बघेल के लिए किसान का गुस्सा उमड़ पड़ा है। गाइस वो इसलिए है क्योंकि शासन का जो नियम है धान लेने की उसमें किसान का कहना है कि अब हम बारदाना मतलब बोरी कट्टी नहीं देंगे, जो भी करना है सरकार ही देगी तभी हम लोग धान बेचेंगे और सरकार के खिलाफ अब हम लोग आवाज़ उठाएंगे क्योंकि सरकार ने वादा किया था और अब सरकार अपने वादे से मुकर रहा है। तो गाइस आपका क्या कहना है इस बारे में अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और हाँ इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर कर देना ताकि सरकार तक किसानों की आवाज़ पहुँच सके। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।